उज्जैन में हत्या के एक बेहद ही सनसनीखेज मामले का पर्दाफाश हुआ है। जब कत्ल के रहस्य पर्दा उठा तो पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस शख्स के साथ पत्नी ने सारी उम्र साथ रहने की कसम खाई थी, उसी कलयुगी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। दिल को दहला देने वाला मामला जिले की नागदा तहसील का है, जहां पत्नी ने अपने प्रेमी की मदद से पति की चाकू मारकर हत्या कर दी और बाद में हत्या को दुर्घटना बताने के लिए मृतक के शव को वाहन से कुचलवा दिया। कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो गए होंगे, लेकिन पुलिस ने ऐसा ही खुलासा किया है। 2 फरवरी की देर रात नागदा जावरा रोड पर एक डेड बॉडी की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी, तो प्रथम दृष्टया हम लोगों ने मर्ग पंजीबद्ध करके डेड बॉडी का पीएम जब कराया। नेक्स्ट डे पीएम में बॉडी में 2 स्टेबिंग वुंड्स पाए गए, चाकू घोंपने के निशान थे। उसके बाद पुलिस को संदेह हुआ कि घटना कुछ और है जो दिखाई जा रही है। टेक्निकल इंटेलिजेंस इकट्ठा किया गया, लोगों से पूछताछ की गई, जो भी घटना के पहले लोग संपर्क में थे मृतक के, उनसे बातचीत जब की गई तो कुछ संदेह पैदा हुआ। तो इसमें मामला प्रथम दृष्टया ये आया कि मृतक की जो पत्नी है उसने अपने पूर्व प्रेमी के साथ षड्यंत्र करके पूरी घटना को प्लानिंग किया है। शाहरुख, मुश्ताक और जितेंद्र, इन तीनों ने मृतक की पत्नी की प्लानिंग पर घटना को एग्जीक्यूशन दिया है। इन लोगों ने मृतक अकबर को गाड़ी में बिठाया अपनी ट्रक में और जावरा रोड पर ट्रक में ही घटना को अंजाम देने के बाद बॉडी को सड़क पर फेंका और ट्रक से कुचलकर निकल गए। आपको बता दें कि ग्राम बिरियाखेड़ी में शुक्रवार देर रात पुलिस को सड़क पर लाश मिली थी। मृतक के पास मिले मोबाइल से उसकी पहचान चेतनपुरा के अकबर के तौर पर हुई थी। पुलिस ने पहले मामले को दुर्घटना मानकर शव को पोस्टमार्टम के लिए शासकीय अस्पताल में पहुंचा दिया था, लेकिन पोस्टमार्टम में पता चला कि शरीर में चाकू मारे गए हैं। पुलिस ने जब तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि मृतक अकबर की पत्नी का महितपुर के मुश्ताक से प्रेम प्रसंग है। अकबर की मौत से पहले दोनों साथ में थे। मोबाइल कॉल खंगाली गई तो बात पुख्ता हो गई। पत्नी के कहने पर ही मुश्ताक ने अकबर के सीने में 2 चाकू मारे थे। शव को ठिकाने लगाने में साथी शाहरुख और जितेंद्र ने भी मदद की थी, लिहाजा पुलिस ने रविवार सुबह चारों युवकों को गिरफ्तार कर लिया और उन्होंने अपना अपराध कबूल भी कर लिया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए उज्जैन से विशाल ठाकुर की रिपोर्ट।